नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी टोयोटा ग्लैंजा या फिर मारुति सुजुकी बलिनो में जो MID आता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उसके अंदर दी गई सभी सेटिंग्स को किस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्या क्या सेटिंग्स उसमें होती है और क्या क्या फंक्शंस उसके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से आप उस सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। तो सेटिंग्स ऑन करने के लिए आपको जो आपका बटन है ये वाला, इसको जैसे ही आप पुश करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स और आप जैसे ही उसे रिलीज करेंगे, ये आपका सेटिंग्स मोड ऑन हो जाता है, जहां से आप सभी सेटिंग्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सभी सेटिंग्स को जानेंगे कि क्या क्या फंक्शंस उनके अंदर होते हैं। सबसे पहली सेटिंग है, वो है डिस्टेंस यूनिट। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं किलोमीटर्स या माइल्स। तो अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली सभी लोग किलोमीटर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग पर चलते हैं, जो है फ्यूल इकोनॉमी। अगेन, फ्यूल इकोनॉमी आप किस यूनिट में मेजर करना चाहते हैं, किलोमीटर पर लीटर, लीटर पर 100 किलोमीटर या फिर माइल्स पर गैलन, तो ये भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगली सेटिंग के ऊपर, जो कि है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू का लैंग्वेज, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूल रीसेट का ऑप्शन। फ्यूल रीसेट अब बेसिकली बताता है आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी ये रिकॉर्ड कर रहा है उसको आप रीसेट किस तरीके से करें। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला है आफ्टर रिफ्यूल, जैसे ही आप टैंक में फ्यूल डलवाएंगे ऑटोमेटिकली फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो जाएगी। उसके बाद है ट्रिप ए, जैसे ही आप ट्रिप ए को रीसेट करेंगे आपका फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो जाएगा। और थर्ड है मैन्युअली। मैन्युअली आप इस बटन को प्रेस करके रखें 3 सेकेंड्स के लिए, तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो जाती है। अगले सेटिंग पर चलते हैं, जो कि है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपके पास ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है आपको सेट सेंसर्स। सेंसर्स में आप नॉर्मल मोड या ट्रेलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हम गाड़ी में किस तरह से क्लॉक को सेट कर सकते हैं या फिर डेट को सेट कर सकते हैं, वो दोनों सेटिंग्स आपको इसी ऑप्शन के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर आप जाकर एडजस्ट क्लॉक में जाकर टाइम को सेट कर सकते हैं, और वहीं सेम वे में आप जाएं तो यहाँ से आप डेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेट का जो फॉर्मेट है 24 या 12 आवर्स वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है डोर लॉक। डोर लॉक के अंदर आपको मिलेगी 4 ऑप्शंस, डोर अनलॉक, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक और अलार्म। तो डोर अनलॉक के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि जैसे ही आप गाड़ी को रिमोट से अनलॉक करते हैं तो कौन से डोर्स अनलॉक होने चाहिए। तो आप ऑल डोर सेलेक्ट करेंगे तो सभी डोर्स अनलॉक होंगे, और ड्राइवर डोर सेलेक्ट करेंगे तो केवल ड्राइवर डोर ही अनलॉक होएगा। यदि आप फिर भी सभी डोर्स को अनलॉक करना चाहें तो आपको अनलॉक बटन को 2 बार दबाना होता है रिमोट पर। अगला ऑप्शन है ऑटो लॉक। तो ऑटो लॉक बेसिकली, जिसे स्पीड ऑटो लॉक भी कहते हैं कई लोग, इसे भी आप सेट कर सकते हैं। मैनुअल लॉक अगर आप कर देंगे तो वो ऑटो लॉक डिसेबल हो जाएगा, आपको हमेशा गाड़ी को मैनुअली लॉक करना पड़ेगा गाड़ी ड्राइव करते समय। स्पीड सिंक्रो अगर आप करेंगे तो जैसे ही गाड़ी आप ड्राइव करना शुरू करेंगे 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाते ही ऑटोमेटिकली सारे के सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे ड्राइव शुरू करते ही। वहीं शिफ्ट सिंक्रो में अगर आप करते हैं तो पार्किंग मोड से जैसे ही आप ड्राइव मोड पर डालेंगे गाड़ी को, उस कंडीशन में आपके सभी डोर्स लॉक हो जाएंगे। वहीं बढ़ते हैं ऑटो अनलॉक की तरफ। ऑटो अनलॉक में भी आप अगर सिंक्रो को ऑफ कर दें तो आपको अनलॉक मैन्युअली करना पड़ेगा सभी डोर्स को। शिफ्ट सिंक्रो करेंगे तो जैसे ही आप ड्राइव मोड की जगह पी मोड यानी पार्किंग मोड पर लेकर जाएंगे सभी डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। वहीं IG ऑफ यानी इग्निशन ऑफ सिंक अगर आप करते हैं तो जैसे ही आप इग्निशन को ऑफ करेंगे सभी डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। और है अलार्म। अलार्म बेसिकली जो सायरन आपका बजता है उसे आप यहां से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है लाइट्स। लाइट्स में आपकी कैबिन लाइट्स आती हैं, फुट लाइट्स एंड लेन चेंज इंडिकेटर।
तो फुट लाइट जो आपकी फ्रंट में जलती है, फुटवेल इल्यूमिनेशन भी जिसे कहते हैं, उसे आप सेट कर सकते हैं लाइट सिंक्रो, यानी जैसे ही रात को आप हेडलैम्प ऑन करेंगे तो वो फुट लैम्प भी आपका ऑन हो जाएगा। वहीं डोर सिंक्रो, जैसे ही आपके डोर्स ओपन होते हैं तो वो फुट लैम्प भी आपका ऑन हो जाता है, और अगर आप चाहें तो उसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। वहीं लेन चेंज इंडिकेटर, जो कि आप लेन चेंज करते समय टर्न इंडिकेटर को हल्का सा प्रेस करते हैं तो 3 सेकंड या 3 बार वो ब्लिंक करता है, उसे आप चाहें तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगला है गाइड मी लाइट, जिसे कुछ लोग फॉलो मी होम के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, टू कार एंड टू होम। तो टू कार जब चलेगा, जब आप गाड़ी को जैसे ही दूर से अनलॉक करेंगे तो आपके गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं, कितने सेकंड्स के लिए वो आप यहां से सेट कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, रात के समय अगर आप कहीं पर गाड़ी पार्क की हुई है और आप गाड़ी को अनलॉक करें तो आपको काफ़ी सहायता मिलती है। वहीं टू होम के कंडीशन में, अगर आप गाड़ी से उतरते समय गाड़ी को पार्क करते जैसे ही लॉक करते हैं, कितने सेकंड्स के लिए आप चाहें तो अप टू 30 सेकंड्स का यहां पर ऑप्शन है, आप उसे सेट कर सकते हैं और 30 सेकंड्स तक आपके हेडलैम्प्स ऑन रहेंगे। वहीं एंटी थेफ्ट ऑप्शन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, बट बेसिकली यहाँ से आप सेंसर्स की सेंसिटिविटी आप सेट कर सकते हैं थेफ्ट से रिलेटेड। और अंत में आते हैं डिस्प्ले आइटम पर। डिस्प्ले आइटम कुछ नहीं, आपका कार कलर। तो बेसिकली जो कार आप जब डोर ओपन करते हैं तो एक कार का एनिमेशन आता है, वहां से आप कार का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कैलेंडर डिस्प्ले। कैलेंडर डिस्प्ले आप ऑफ या ऑन कर सकते हैं। कैलेंडर फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपका कैलेंडर हो जो डिस्प्ले हो। एंड फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, आपका टाइम डिस्प्ले या फिर ड्राइव साइकिल, दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। वहीं अंत में जो ऑप्शन दिया गया है डिफॉल्ट का, इसे आप फैक्ट्री रीसेट भी कह सकते हैं। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आप बाय डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन सब ऑप्शंस को जानने में काफ़ी सहायता मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।